हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 15, दैट इज एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल। जैसा कि आपको प्रीवियस पार्ट में मैंने 5.3 पूरी कंप्लीट करा दी थी, ये मैंने आपसे कहा था कि मैं 5.4 ऑप्शनल आपको कराऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़े से कठिन क्वेश्चंस माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं तो एपी से रिलेटेड हम लोग अब सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है। अगर आपका काम मान के चलिए आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, ठीक है, और 5.4 एक एक्सरसाइज आपके बचे, जो कि मैं आपको 15 पार्ट में 5 क्वेश्चन है इसी में मैं करा दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी अगर आपको हमारी वीडियो लगती हो तो आप प्लीज वीडियो को हमारे लाइक करा करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे कि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, तो हम लोग से पूछा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, हम लोग को जो दे रखा है पहले हम लोग को लिख दे विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब हमसे टर्म पूछ रहा है कौन सा टर्म। ठीक है, और एपी हम लोग को दे रखी है तो हम लोग गिवन लिख देंगे एपी बराबर 121, 117, 113 और ऐसे करके जल्दी जल्दी आ रही है। ठीक है, एंड हमसे इसमें पूछा गया है, ठीक है, हाँ, विच टर्म ऑफ द एपी मतलब कौन सा टर्म ऑफ द एपी का इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। ठीक है, ऐसा कौन सा टर्म होगा इस एपी का जो कि पहला निगेटिव टर्म होगा। फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि विच टर्म ऑफ द एपी मतलब एपी आपके सामने लिखी है, ठीक है, इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो निगेटिव टर्म होगा। अब भाई निगेटिव टर्म इसमें बात करी जा रही है हम लोग से, निगेटिव टर्म तो हम लोगों ने इससे पहले कुछ पढ़ा नहीं, तभी तो ये एक्सरसाइज है। यही एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है जो इस चैप्टर को स्पेशल बनाते हैं। ठीक है, तभी हम लोग को लिख दिया जाता है ऑप्शन। ठीक है, ये सिर्फ वही बच्चे करते हैं जिन्हें मतलब अपनी पूरी नॉलेज बेहतर करनी होती है। ठीक है, हम लोग तो हिंदी भाई सब निकालते चले जा रहे, लेकिन अब इसमें पूछा है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो यही इसकी विशेषता, ये एक्सरसाइज हम लोग को कुछ अलग बनाती है। ठीक है, तो हम लोग भाई शुरू करते हैं। भाई अपना इसमें पुराना काम क्या है, ए बराबर 121 जो कि हमें ए वन हो गया, डी बराबर आपको मैं हजार बार बता चुका हूँ ए टू माइनस ए वन, ठीक है, जो कि 117 माइनस 121, तो डी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटे, माइनस की 4 आ जाएगी। ठीक, डी की वैल्यू मैंने भाई ये कैलकुलेट कर ली है माइनस 4। ठीक है, अब हम बेटे ये मान ले रहे कि nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज इट फर्स्ट निगेटिव टर्म। ठीक है, तो भाई पहला निगेटिव टर्म है उसे मैंने मान लेते हैं, लेट nth टर्म, ठीक है, ऑफ गिवन एपी, ऑफ गिवन एपी इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। ठीक है भाई, हमें ये तो पता नहीं है कि भाई कौन सा टर्म निगेटिव है। ठीक है, तो भाई हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई फर्स्ट निगेटिव टर्म बताओ, तो भाई अब इसीलिए हमने लेट कर लिया, अपनी तरफ से मान लिया है, क्योंकि जब तक हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तब तक आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब ये मैथ्स है, मैथ्स में हम लोग कोई चीज सपोज कर सकते, तो क्या सपोज करा, लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब भाई nth टर्म की बात आ गई है तो लगा दीजिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां पर से बेटे एन की प्लीज वैल्यू निकाल लीजिए, एन बराबर ए की वैल्यू आपके सामने रखी है 121 प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू मैंने अभी निकाली माइनस की 4। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए 121 माइनस का 4 एन प्लस का 4, तो एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 125 माइनस 4 है, इक्वेशन नंबर पहली। ठीक है भाई, सीधी सीधी बात है भाई, जब इसमें एनएक टर्म हम लोग को हमने मान लिया तो एनएक के पास सीधे सीधे एनएक टर्म में आपको क्या बताया था फॉर्मुला मैंने, आप बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक स्टेप से सीखिए कि भाई हम लोग से इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछा, तो भाई एपी निकालने के लिए अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि एपी निकालने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस बेटे चाहिए चाहिए होता है, तो वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा, वो हमें तुरंत ही मिल जाता है रिस्पेक्टेड एपी से या जो हमें एपी गिवन दे रखी है। ठीक, उसके बाद भाई हमसे हमसे टर्म पूछा गया फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो भाई हम एनएक टर्म मान लेते हैं कोई सा भी। ठीक है, तो हमने अब जब मैं यहां पे nth टर्म की बात आ गई है तो भाई सबसे पहले n बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d आ गया। अब आप ये समझिए कि हमने यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि भाई nth टर्म का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d, यहां से मैंने n की वैल्यू निकाली। अब हम भाई कंटिन्यू फॉर फर्स्ट निगेटिव टर्म, ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में भाई फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट निगेटिव टर्म हमसे पूछ रहा है। अच्छा भाई आप एक बात बताओ कि यदि अगर हमसे कोई हम सिर्फ फर्स्ट निगेटिव टर्म की बात तो करें कर ही रहे हैं इसमें, अच्छा अगर हम सिर्फ निगेटिव टर्म की अगर इसमें बात करें तो भाई निगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी निगेटिव टर्म अगर वो होगा वो हमारा जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि भाई पॉजिटिव टर्म हमारे कौन से टर्म होते जो जीरो से बड़े होते हैं, निगेटिव टर्म हमारे कौन से टर्म होते जो जीरो से छोटे होते हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट निगेटिव टर्म हमसे पूछ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू आई है 125 माइनस 4 लेस देन
जीरो से, मतलब जीरो से छोटी होगी, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, दैट इज an इज लेस देन जीरो, तो भाई 2145 माइनस का 4n इज लेस देन जीरो। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि भाई हमसे फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछ रहे हैं, फर्स्ट निगेटिव टर्म ऐसा टर्म है जो मतलब जिसकी वैल्यू जीरो से छोटी होकर, निगेटिव टर्म का मतलब ही ये होता है कि वैल्यू जीरो से छोटी होना, बस इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप उधर ट्रांसपोज कर लीजिए तो 125 इज लेस देन 4n। तो भाई अब जो है इसकी इनइक्वालिटी चेंज कर लीजिए, 4n इज ग्रेटर देन 125, ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन 125 बटे 4, तो भाई ये जो वैल्यू आ जाएगी ये लगभग 31 होल 1/4, तो इसे अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल मान लेंगे 32 टर्म के, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा यहां पर मैंने ये देखा है आपको कि भाई 125 भाई इस माइनस को मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखें कि 4n जो है भाई, जब इक्वालिटी, जब या तो आप ऐसे कर लीजिए कि 125 जो है लेस देन 4n है या 4n इज ग्रेटर देन 125, तो भाई n की हमें वैल्यू चाहिए, तो भाई 31 होल 1/4, लेकिन हमें एक एग्जैक्ट टर्म लेना पड़ता है, ए मतलब n बराबर 32 आ गया। भाई ये 32 भाई बच्चे पता है, आपको भी पता है, ए प्लस 31 भी होता है, आप वैल्यू लगा दीजिए, 32 बराबर ए की वैल्यू क्या है 121 है, ये इधर माइनस आ जाएगा क्योंकि डी की वैल्यू क्या है माइनस 4 है, तो 31 × 4, ठीक है, तो ए 32 की वैल्यू कितनी आ गई 121 माइनस का 4 और 4 × 3 = 12, तो लगभग मुझे लगता है ए माइनस 3 आंसर आ गया है। तो भाई ए 32 बराबर माइनस 3 ए जो हमसे पूछा गया था ये हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म एन बराबर क्या आ गया है हमारा 32 टर्म आ गया है। सिंपल सा थोड़ा सा इसमें हल्का सा ये घुमाया था इन्होंने कि फर्स्ट निगेटिव टर्म की बात करी गई थी, इसमें हमें सीधे करना है जो ए एन की वैल्यू आई है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू वो इक्वली लेस देन जीरो होगी, क्योंकि फर्स्ट निगेटिव टर्म की बात करेंगे और निगेटिव वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो जीरो से बेटा क्या हो छोटी हो, बेसिक सी बात है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें सेकंड क्वेश्चन की, जो कि वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे मेरा मानना है कि ऑप्शन एक्सरसाइज से बहुत स्टूडेंट बचते हैं कि हम ये एक्सरसाइज ना करें, हम सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज कर लेते हैं जो भी हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन भाई जब आपको बुक में कोई चीज दी गई है तो भाई ऐसा तो है नहीं कि बस फालतू की वो चीज है, ठीक है। तो जब किताब वालों ने उसमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज सेट की हुई है तो हमें उस एक्सरसाइज को पढ़ना चाहिए और हमें उसको सीखना चाहिए। अब आपको मैंने पूरा एपी लगभग जो है पूरा चैप्टर एपी लगभग 15 पार्ट में आपको बताया है, तो कोई भी चीज अब आपसे छुपी नहीं है, आप जो कुछ चाहें वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ कमी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो है सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी है, एक एडिशन की और एक मल्टीप्लाई की, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पढ़ के आप उस वैल्यू को बना लेंगे, तो भाई यहां पर मन मिटा देते हैं, अब हम बात करेंगे आंसर नंबर 2 की। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो भाई इसमें कंडीशन दे रखी है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। मैंने अभी आपको बता दिया था क्वेश्चन बिना पढ़े क्योंकि देख लिया था पहले से ही, ठीक है। पहली कंडीशन लिखेंगे नहीं, बस आपको ऐसे समझा देंगे, क्या लिखा है कि द सम ऑफ थर्ड एंड द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6, कि भाई कि थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो सम है वो 6 दे रखा है। अब भाई थोड़ा अगर 5 चले तो भाई थर्ड टर्म प्लस 6 टर्म के मान क्या दे रखा है 7 दे रखा है। क्वेश्चन पहले आप इसे बोलते बिना कहे कि भाई थर्ड टर्म और 6 टर्म का जो सम है वो हमें कितना दे रखा है 7 दे रखा है, पहले इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ए 3 को बेटा मैंने आपको हजार में बताया, ए प्लस 2d लिख सकते हैं और ए प्लस 5d है 6 को लिख सकते हैं, बराबर 7 हो जाएगा। ए प्लस से कितना होता है 2a प्लस, ये कितना हो गया 2a, ए प्लस ए 7 यहां ए 7 आ गया यहां पर सॉरी, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, ए 6 मैंने लिख दिया था, देखो द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म, ठीक है, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6, कि भाई हमें थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है 6 दे रखा है। यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, ए 3 को लिख सकते हैं ए प्लस 2d और इसे लिख सकते हैं ए प्लस 6d बराबर 6, ए प्लस होता है 2a, 2a प्लस 8d बराबर 6, और मैंने आपको बताया था इक्वेशन शॉर्ट हो रहे हैं तो शॉर्ट कर दें, a प्लस 4d बराबर 3, ये आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस 4d बराबर 3, यहां से आप चाहें तो a की वैल्यू भी निकाल लीजिए, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंडीशन में आपको और थोड़ा इसमें हेल्प मिलेगी। 3 − 4d ये आप इक्वेशन पहली। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड कंडीशन क्या कह रही है हम लोगों से,
ठीक है भाई, पहली कंडीशन में हमसे कह रहा था कि द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म इज इक्वल टू सिक्स, और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एंटायर प्रोडक्ट इज एट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सम का मतलब होता है एड, तो भाई यही हम लोग को ये दे रखा है, ए थ्री इंटू ए सेवन बराबर आठ दे रखा है, ठीक है बेटे, ये हमसे क्या दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज एट, मैंने आपको बताया था कंडीशन, आपको लिख ली, आप लिख लेना ठीक है, आप इतने समझदार हो चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं जो है चीजों को स्किप कर देता हूं, कल के मतलब एक दूसरे से पहले कंडीशन में लिख देता था क्या कंडीशन है, ठीक है, अब क्या है, अब आप कंडीशन क्या लिखिए, फर्स्ट कंडीशन में आप लिख लेना द सम ऑफ द थर्ड एंड सेकंड टर्म ऑफ एन एपी सिक्स, सेकंड कंडीशन लिख देना कि एंड देयर प्रोडक्ट इज एट, कोई आप पुराना इसमें वो रखिए ए प्लस टू डी, ठीक है, यहां पर आप मल्टीप्लाई करके ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू एट, ठीक है, ए प्लस टू डी और ए प्लस सिक्स डी, अब आप अगर चाहें जो है एक ही यहां पर वैल्यू रख दीजिए, जो कि मैंने ये निकाल दिया थ्री माइनस फोर्टी, यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, तो यहां पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर्टी प्लस टू डी, ठीक है, बस आप सिंपल यहां पर वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, थ्री माइनस फोर्टी प्लस सिक्स डी बराबर में आठ आपका चल ही रहा है, ये आपका हो जाएगा थ्री माइनस टू डी, और ये आपका हो जाएगा थ्री प्लस टू डी बराबर एट, यहां पर आप देख लीजिए ब्रैकेट में नोट डाउन दिस स्टेप, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे सीधे सीधे अंदर मल्टीप्लाई कराने लगते हैं, यहाँ के अंदर सीधे पहले मल्टीप्लाई करा देंगे जो कि ए स्क्वायर फिर सिक्स ए डी प्लस टू डी है, तो ऐसे करके ये टर्म थोड़ा सा मतलब बेहुदा बन जाता है, मतलब आप इसको जो है मतलब फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू तभी निकाल दी थी, वैसे मैं इसको क्वेश्चन मान लेता लेकिन जो है यहाँ पर मैंने इसको आसान बनाने के लिए मैंने इसको कराया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी, अब आपको मैंने एक आइडेंटिटी भी पढ़ाई है पॉलिनोमियल में कि a प्लस बी ए माइनस बी की खूबसूरत सी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां लगा लीजिए नाइन माइनस फोर डी स्क्वायर इक्वल टू एट, ठीक है भाई, ए स्क्वायर मतलब थ्री स्क्वायर और बी स्क्वायर टू डी का स्क्वायर मतलब फोर डी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी बनाने की हम लोग ने ये सब कुछ करा था, तो भाई इससे आप उधर भी आ रही नाइन माइनस एट बराबर फोर डी स्क्वायर, ठीक है, तो फोर डी स्क्वायर बराबर वन, डी स्क्वायर बराबर वन बाई फोर, ठीक है, तो d बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वन अपॉन फोर, तो d बराबर प्लस माइनस एक बटे दो, डी की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई है, प्लस माइनस एक बटे दो आ गई है, ठीक है, हाँ, तो अब जो है यहां पर हम लोग से फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सिक्सटीन टर्म ऑफ एन एपी पूछा है, d की वैल्यू यहां पर भाई एक तो आ गई है प्लस माइनस वन अपॉन टू, मतलब d की वैल्यू एक जगह वन बाई टू आई है और एक जगह माइनस की वन बाई टू आई है, तो यहां पर आप ये लिख लीजिए a बराबर जो आपके पास वैल्यू आई थी थ्री माइनस फोर डी, आप यहां वैल्यू लगा दीजिए थ्री माइनस फोर इंटू वन बाई टू, इससे ये कैंसिल कर दीजिए तो a बराबर कितना आ गया थ्री माइनस टू वन आ गया यहां पर से, ठीक है, और यहीं पर आप माइनस की वैल्यू रखिए थ्री माइनस फोर डी, तो a बराबर यहां पर माइनस माइनस प्लस थ्री इंटू वन बाई टू, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो a कितनी आ गई थ्री प्लस टू फाइव, तो यहां पर भी a की वैल्यू वन आई है, a की वैल्यू फाइव आई है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब जीरो से बड़ी आई है, सिंपल सी बात है जीरो से बड़ी आई है, अब अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई है तो एस सिक्सटीन में हमको दोनों वैल्यू लगानी होगी इनका सम निकालने के लिए, सम हमसे सिक्सटीन टर्म का पूछ रहा है, मतलब हमसे सीधा सीधा एस सिक्सटीन पूछ रहा है, पहले हमने कंडीशन के हिसाब से हमने इक्वेशन बना ली, अब हमसे एस सिक्सटीन पूछ रहा है, तो एस एन बराबर एन अपॉइंट टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा दीजिए, जहां पर पहले आप ए की वैल्यू वन रखेंगे, डी की वैल्यू जो है वो जो सेम आई रही वही रखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप दूसरे कंडीशन में जो है डी की वैल्यू एक बार माइनस की वन बटे टू रखेंगे और ए की वैल्यू फाइव रखेंगे, ठीक है, तो दो कंडीशन में हमको यहां से निकालना होगा, ठीक है, इसमें यही हो जाता है कि क्वेश्चन जिसमें बड़े होते हैं अच्छे खासे, ठीक है, कैलकुलेटिव होते हैं और बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसे मतलब सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है, और जब मैं आपको पहले प्रीवियस पार्ट में बता दिया था कि भाई ऑप्शन एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे, तो भाई जब बता दिया था तो करना तो पड़ेगा ये फिर, ठीक है, अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन को बस इसका एंड करते हैं, बस फटाफट से जो बचा हुआ इसका जो है वो हो जाए, ठीक है, अब हम लोग के पास भाई ए की भी दो वैल्यूज आ गई हैं, डी की भी दो वैल्यू है हमारे पास, एक बार अलग से निकालेंगे एस सिक्सटीन में, उसके बाद दूसरी बार पुट करेंगे, ठीक है, चलो, तो भाई पहले जो है हम लोग पुट ए बराबर वन और डी बराबर वन बाई टू, ठीक है, हम लोग की यही तो वैल्यू आई थी, एक वन आई थी, एक फाइव आई थी, एक वन बाई टू आई थी, एक माइनस वन बाई टू आई थी, पहले ये वाली लगा देते हैं उसके बाद दूसरी लगा देंगे, तो भाई हम सबसे पहले आप यहां पर ये फॉर्मूला बेटे जरूर लेते हैं, एस एन बराबर एन बटे दो टू ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। अब आप यहां पर वैल्यू लगा दीजिए, एस एस सिक्सटीन की हमें वैल्यू निकालनी है। तो भाई हमें आपको मैंने बताया था एन सिक्सटीन हमें निकालना है, एस सिक्सटीन निकालना है, तो सीधे सीधे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहां पर रख लीजिए 2 इंटू वन प्लस 16 माइनस 1 इंटू 1 बाई 2। ठीक है, यहां पर आप लगा दीजिए 8 आ जाएगा, यहां पर ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 15 अपॉन 2। ठीक है, तो एस 16 बराबर 8, 2 2 जा 4। ठीक है, और ये आपका कितना आ जाएगा 19 अपॉन 2, तो ये 2 4 जा 8, एस 16 की वैल्यू कितनी आ गई 19 4 जा 76, तो एक वैल्यू आपकी ये आ गई है। अब आप दूसरी लगाएंगे। ठीक है, दूसरी में आप क्या लिखेंगे, पुट ए बराबर 5, डी बराबर माइनस की 1/2, और एन आपका सिंपल चलता रहेगा। ठीक है, दो वैल्यू आई थी ना, तो भाई पहले के लिए निकाल दिया, दूसरे के लिए लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला फिर से एक बार लिख दीजिए, एस एन बराबर एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की लगा दीजिए 16 अपॉन 2, 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1, और ये समझ के रखिएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 10 माइनस 15 अपॉन 2। ठीक है, 15/2 माइनस का आ जाएगा, यह 16 बराबर 8, 10 टू जा 20 माइनस का 15 अपॉन 2, ये क्रेडिट कैंसिल कर दीजिए, 16 बराबर 4 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा 5 टू जा 20, तो भाई एस 16 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये 20 आ गई, और एस 16 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 76 आ गई। जब आप आंसर पीछे देखेंगे तो ये दोनों आंसर आपको पीछे मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, मुझे पता है। ठीक है, आराम से आपको समझ रहे हो, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 2 वाला हो चुका, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, 5 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस, वो भी आपको इसी पार्ट में करा दूंगा। ठीक है, लगभग 10-15 मिनट की क्लास और थोड़ी सी बच्चों। ठीक है, चलो अब भाई तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो अच्छा, तीसरे क्वेश्चन में भाई हम लोग को एक लैडर दे रखी है, लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, तो भाई सबसे पहले एक लैडर बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और ये आपका 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपको डायग्राम जो है इससे आपको मतलब कंडीशन लगा के बताना होगा कि कैसे आपको इसी डायग्राम से हमको सभी कुछ हेल्प मिलेगी कि कैसे हम लोग को इसको कैसे एपी बनानी है और कैसे हम लोग को सॉल्व करके बताना है। अच्छा ठीक, तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाई अ लैडर हैज रंस 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, 25 सेंटीमीटर लैडर। ठीक है, ये द रंस डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ ऑफ लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंस आर टू होल 1/2 मीटर अपार्ट, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंस, रिक्वायर्ड फॉर द रंस, सॉरी। ठीक है, तो भाई इसमें देखो, सबसे पहले भाई ये थोड़ा सा जो है ये देख लीजिए, यहां पर ये सेंटीमीटर 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 दे रखा है, ये जो है मीटर दे रखा है, तो भाई इसे जो है इसे आप 2 2 4 1 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 मीटर। अब आपको बच्चे बच्चे पता होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा 500/2 मतलब 250 सेंटीमीटर ये आपका आ जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, क्योंकि भाई हम लोग को स्टैंडर्ड मतलब एसआई सिस्टम में सब चीजें रखनी होती हैं, जो ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर और ये मीटर में है, तो 2 होल 1/2 मतलब क्या हो जाएगा 2 2 4 1 5 मीटर। अब 5 मीटर हो गया लेकिन ये सेंटीमीटर में है, क्योंकि 3 चीजें सेंटीमीटर में, 1 चीज मीटर में, तो मीटर वाले को चेंज कर लीजिए, इससे आपका समय भी बचेगा। तो भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 5/2 मतलब 500/2, और 500 का आधा कितना होता है 250 सेंटीमीटर आपका ये आ जाएगा। अब हमसे नंबर ऑफ रंग्स की बात करेगा, या सीधे सीधे और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस बराबर डिस्टेंस बिटवीन, या आपको छोटा सा फॉर्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट रंग्स, फर्स्ट एंड लास्ट रंग्स अपॉन
डिस्टेंस जो है दोनों के वो लगा दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रन्स, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव रन्स, जो कि भाई आपकी टोटल ये कितनी है 250 है, ठीक है, और भाई लैडर की जो लंबाई है वो 25 है प्लस 1, ठीक। अब यहां पर आप देख लीजिए सीधा सीधा इसमें उसमें पूछा गया है कि यार लैडर है रन 25 सेंटीमीटर अपार्ट, भाई लैडर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम, भाई लेंथ से 45 सेंटीमीटर क्या हो रही है, ठीक है, एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, ठीक है 250 आपका हो चुका है, ठीक है, इफ द टॉप द बॉटम रंग्स आर टू होल वन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर। अब आप ये देख लीजिए ये लगभग जो है आपको 250 जो आपका आया है टोटल, इससे आप इसको डिवाइड करते हैं और प्लस का एक रंग इसमें जोड़ देंगे, अभी डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग की बात इसमें करी गई है, तो भाई पहली और आखिरी में, तो भाई ये पहली हो गई, तो इसमें हम एक टर्म जोड़ देंगे 250/25+1, ये सीधा आपका आ गया, इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 10+1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, सीधे बस इसमें बात करी जा रही है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग, तो भाई फर्स्ट वाली ये लगभग आप देख लीजिए 250 और लास्ट वाली कितनी है हमारे बॉटम वाली 25 है, ठीक है, और जो है डिस्टेंस वाली और प्लस 1 इसका, ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए कि n बराबर हमें कितना मिल गया है 11 मिल गया है, ठीक है, और a की वैल्यू हमें भाई क्वेश्चन में दे रखी है 45, ठीक है, और an की वैल्यू भाई 25 दे रखी है, और जो है sn की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, इसमें सीधे सीधे दे रखा है, ज्यादा दिमाग इसमें कुछ लगाना ही नहीं है, या लेटर हैज रन 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है भाई, उसके बाद द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर जो लेंथ वगैरह मतलब ए फर्स्ट टर्म दे रखा है 45 एंड हमने ये निकाल लिया 11 है और एन, इसके बाद हमसे पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, ठीक है, तो रंग्स में हमसे एसएन पूछा है, सिंपल ज्यादा सभी कुछ तो इसमें दे रखा है, तो भाई एसएन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एसएन बराबर एन अपॉन टू, ठीक है, उसके बाद 2a + n-1 × d, ठीक है, तो जो है एन की वैल्यू हमें जो है एस 11 बराबर 11/2 आ गया यहां पर, और 2 × 45 + एन की वैल्यू कितनी है 11-1, ठीक है 2 × d, ठीक है, एसएन बराबर एन अपॉन टू 45-1, या रुक जाइए यहां डी तो हमारे पास है नहीं, एसएन बराबर एन अपॉन टू a + n वाला लगा दीजिए, उससे इजिली निकल आएगा, क्या करें डी निकाल के एपी बनानी पड़ेगी फिर, ठीक है, तो एसएन बराबर आप फॉर्मा लगा दीजिए, एसएन बराबर एन अपॉन टू, ठीक है, ए प्लस एन, ये भी मैंने आपको फॉर्मा बताया है, तो एसएन बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 11/2, ए की वैल्यू 45 लगा दीजिए और ये 25, ठीक है, तो एसएन बराबर 11/2 × 5, 5 × 10 = 2, 4 + 6 = 7, तो ये आपका 70 आ गया, ये लगभग कितना हो जाएगा 35, और 11 × 35 ये कितना जाएगा, एस 11 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 385, ये आपका आंसर है, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ज्यादा जो है आप जो है इसमें ज्यादा कुछ इसमें सीधे इसमें दे रखा है 385 आपका करेक्ट आंसर है, सीधे ही दे रखा है, ठीक है, ए की वैल्यू भी सीधे, एन की वैल्यू भी, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसीडर 250/25+1, ये आपके जो है नंबर ऑफ रन आ गए हैं, ठीक है, तो आर बराबर या एन बराबर आप इसे लिख सकते हैं, ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसे मिटा देते हैं, दो क्वेश्चन आपके बचे, ये थर्ड वाला था, अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ वाले की, जो आपको सीधे सीधे जो समझ में आ जाएगा वो आप सीधे सीधे नोट कर लीजिए, एक बार बस आपकी ये भी बन जाए बस, फिर आपको जो है कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी, ठीक है, दो क्वेश्चन बस आप और कर लीजिए इसके, फिर आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो आंसर नंबर 4, चलो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और वैसे ही उसी अकॉर्डिंग जो है उसका हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है, फोर्थ वाला ध्यान से सुनिए, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, तो भाई हमें भाई हाउसेस दे रखे हैं, गिवन रो हाउसेस आर नंबर्स फ्रॉम, ठीक है, आर नंबर्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमारे 49 तक मुझे दे रखे हैं,
ठीक है। हाँ तो यहां पर आप ये देख लीजिए द हाउसेज ऑफ द नंबर फ्रॉम कंसेक्यूटिवली मतलब लगातार फ्रॉम एक से लेकर 49 तक ये हमें दे रखे हैं हाउसेज, ठीक है, हाउसेज ये दे रखे हैं भाई एक से लेकर 49 तक, भाई यही हमें हाउसेज दे रखे हैं तो यही भाई ऑब्वियस सी बात है कि यही हमारी एपी बनाएंगे, ठीक है। तो भाई ये हमारी एपी में ए बराबर वन हो जाएगा, ठीक है, डी बराबर भी हमारा वन है, ठीक है। तो भाई डी बराबर मतलब क्या होता है ए टू माइनस ए वन जो कि टू माइनस वन, यहाँ पे डी की वैल्यू सीधे सीधे वन आ गई जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब ये तो हम लोग को एक एपी दे रखी है, अब इसमें ये तो हम लोग को पता नहीं कि कितने इसमें हाउसेस हम लोग की बात करी गई है, तो भाई हम लोग इसमें हाउसेस मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ हाउसेस बराबर एक्स, ठीक है भाई, हम इसमें एक्स ही तो मान लेंगे, ये भाई पता थोड़ी ना कि ये तो बस हमें एपी दे रखी है, इसमें ये थोड़ा पता है कि भाई कितने हाउस की बात करी गई है, तो हमने एक्स इसमें मान लिया है। तो भाई जब हमने एस मान लिया तो इसका सम भी लगे, यहां तो आप निकाल दीजिए एस एन बराबर एन अपॉइंट टू टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ा है पूरा, अभी हमने जो बस एक लाइन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक भाई एक्स हमने मान लिया है, शो दैट द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, ठीक भाई। तो भाई अगर हम बात करेंगे कि भाई सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है, बियॉन्ड एक्स हाउस, ठीक है, बियॉन्ड एक्स हाउस बराबर एक्स एस माइनस वन। अब भाई आप एक बार खुद बताओ, जैसे कि अगर हम टू हाउस की बात करें, जैसे मान लीजिए वन टू थ्री हाउस की बात करें, मतलब टू हाउस की बात कर ले रहे हैं अगर हम लोग, तो भाई दो हाउस है, मतलब अगर हम एक वैल्यू लेते हैं टू, तो एक तो टू से पहले कितने हाउसेज हैं, ठीक है, मतलब पीछे या मतलब उससे पहले या पीछे कितने हाउसेस हैं, एक हाउस है। एस तीन की बात करेंगे तो तीन से पहले कितने हाउस हैं, दो हाउस हैं। चार की बात करेंगे तो तीन है, पांच की बात करेंगे चार है, उनचास की बात करेंगे तो पैंतालीस हैं। तो बस यहां से हमें क्या कंडीशन पता लग रही है, सम ऑफ द हाउसेस बियॉन्ड एक्स हाउस, मतलब एक्स हाउस के पीछे कितने हैं भाई, एक्स माइनस वन, ठीक है। अरे भाई एक्स मतलब आप जो भी चाह लगा दीजिए, अगर एक्स वैल्यू टू पुट करेंगे तो टू माइनस वन मतलब एक है, थ्री लगाएंगे थ्री माइनस वन तो टू है। ये मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीका बता दिया है कि सम ऑफ हाउसेस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बात बस मैं आपको सिर्फ इतना सा बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो भी आगे करेंगे पहले एक ही कंडीशन निकाल लेंगे उसके बाद माइनस कर देंगे, ठीक। तो भाई यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर इस सम का वैल्यू लगा दीजिए बस एक्स माइनस वन अपॉइंट टू, और यहां पर जो मैंने ए और डी की वैल्यू निकाली है वो भी लग दीजिए। एक्स की वैल्यू हमारी यहां पर क्या है, एक्स माइनस वन, और डी की वैल्यू भी क्या है, वन है। अभी आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि भाई हाउसेस हम लोग को नंबर्स में दे रखे थे जो कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि एक एपी दे रखी है, तो एपी में हम लोग को भाई उनचास तक, तो सिंपल सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने ए और डी की वैल्यू निकाल ली, और भाई नंबर ऑफ हाउसेस तो हमें मानने पड़ेंगे ना, एक्स है लगे हाँ, तो सम की वैल्यू निकाल ली, और सीधे सीधे भाई क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भाई द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट फाइंड इट्स वैल्यू ऑफ एक्स। तो भाई आप खुद एक बार देख लीजिए कि अगर भाई एक्स से पीछे कितने हाउस होंगे, तो मैंने एस एक्स माइनस वन निकाले, जनरल निकाल लिया है, अब चाहे पचास चाहे सौ चाहे कितने भी दे रखे हो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे बेटा आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका टू प्लस एक्स माइनस टू, मेरे हिसाब से टू से टू ये हमारा कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा एक्स एक्स माइनस वन अपॉइंट टू, ये आपकी पहली आ गई है। अब हम लोग भाई जो क्वेश्चन में कह रहा है वो हम लोग इसका कर देंगे, बाई गिवन कंडीशन लगा देंगे बस, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहली कंडीशन में हम लोग ने देख लिया, सीधे सीधे निकाल लिया है, अब जो है देख लेंगे कि भाई शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो भाई आप सीधे सीधे मान लीजिए कि अगर हमारे पास उनचास हैं, ठीक है, एस 49 में से एस एक्स हमारा घट जाएगा, तो भाई हमारे पास उनचास ही तो हैं, ठीक है, और हमें भाई इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स मतलब एक जनरल वैल्यू निकालनी है हमें, तो भाई उनचास में जाहिर सी बात है सीधा सीधा माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया था, अगर मैंने दो हाउसेस ले रखे हैं तो दो से पहले कितने हाउस है भाई, एक है, तीन से पहले दो है, तो ऐसे उनचास से पहले कितने हाउस है, मतलब उनचास माइनस रिस्पेक्टेड हाउस, ऐसे मैंने यहां पे लिखा है उनचास माइनस एक्स, ठीक है। बस अब आप सीधे सीधे एक वैल्यू कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, एस उनचास का मतलब यहां पर एन की वैल्यू एन अपॉइंट टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे, यहां पर एन की वैल्यू कितनी रखेंगे, पहले उनचास रखेंगे, उनचास बटे दो टू इंटू
ब्रैकेट में मतलब 1 + 49 - 1 और डी की हमारी जो वैल्यू है वो हमारी क्या है बेटे सेम है ठीक। दूसरे में आप यहां पर क्या लिखेंगे एक्स बटे दो ब्रैकेट में 2 × 1 + x - 1 × 1 ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है भाई। सीधी सीधी बात है भाई, 2 से पहले 1 हाउस होंगे, 3 से पहले 2, 5 से पहले 4, 40 से पहले 35, तो 49 से पहले कितने होंगे बाकी के सारे माइनस ठीक है। तो बाकी के सारे माइनस मैंने निकाल दिए हैं s49 - s और सफिक्स में s। तो यहां सर आप जो है ये सीधा सीधा जब आप ये तो आप इसे सॉल्व जो है कर ही लेंगे तो ये लगभग आपका 25 × 49 - x, x + 1/2 ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जब आप यहां पर ये देखेंगे ये लगभग 2 हो जाएगा, 2 + 48 तो 49 / 2 × 2 + 48 तो ये 50 हो जाएगा, ये लगभग कट जाएगा यहां पर से। तो आप ये देखिए 25 × 49 आपका ऐसे ही आ गया है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी ये आपका पूरा लिखा हुआ है, जे यहां पर सॉल्व करा था x - 1/2। अब भाई ये दो कंडीशन हमारी आ गई है ठीक है, दो कंडीशन हमारी आ गई है। अब बस एक लाइन और पढ़ेंगे आप बिल्कुल सीख जाएंगे। So that there is a value of x such that the number of house preceding the house numbered x is equal to the sum। मतलब ये दोनों कंडीशन हम लोग को क्या दे रखी है बेटे, इक्वल दे रखी है। इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 = 2 ठीक है। यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए x - 1/2 = 25 × 49 - x, x + 1/2। यहां पर से आप इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, ये वैल्यू आप जब कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आपकी +-35 आएगी, मतलब एक x की वैल्यू 35 आएगी, एक x की वैल्यू -35 आएगी, तो हमारा x बराबर 35 आंसर हो जाएगा भाई। और ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि भाई नंबर ऑफ हाउसेस कैन नॉट बी निगेटिव, भाई कभी भी हाउसेस हमारे निगेटिव नहीं होते हैं। क्या आपसे कभी किसी ने सुना है कि भाई 35 नंबर ऑफ हाउसेज है माइनस के, तो भाई आपके ये निगेटिव हो जाएंगे, मतलब निगेटिव नहीं है। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, सीधे सीधे 35 आ गई है, जो आपके माइनस वाले 35 आप देख दीजिएगा रिजेक्टेड, बिकॉज द नंबर ऑफ हाउसेस कैन नॉट बी निगेटिव ठीक है। बस आपको ये मैंने बस ये तरीका ध्यान रखे कि 2 से पहले कितने हाउस है, 3 से पहले, बस यहां पर आप और बाकी s49 से पहले कितने बाकी के सभी, तो s49 - sx और बाकी इक्वल में कंडीशन में दे रखी गई इक्वल, तो दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दी, सीधा आपका आंसर आ गया, सिंपल सी बात है, बाकी ज्यादा इसमें नहीं है कुछ ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन बचा वो भी मैं करा देता हूं, तो ये आपके 5 पूरे ही हो जाएंगे इसमें। पांचवा क्वेश्चन भी वो भी बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जो है 1/4 इंक्रीज हो जाता है, बस भाई आपको इसमें बता के वो भी हो जाएगा जो फोर्थ क्वेश्चन जब पढ़ेंगे। बस इसमें मैं थोड़ा सा यही रहता है कि आपको जो है मतलब एग्जाम्स वगैरह देने हैं तो उसमें बस थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह लिखनी पड़ती है थोड़ी, तो जैसे कि लैंग्वेज गिवन हो उसे डायरेक्ट कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डायरेक्ट करने से आपको मार्क्स छोड़ना मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन भी तो देखा जाएगा आपका, तभी थोड़ा सा आपको लिखाना पड़ जाता है ठीक है, तभी थोड़ा सा टाइम और लग जाता है ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस एक जन बढ़िया से गई हमारे लिए काफी है ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है उसे बेटा कर लेते हैं, सपोर्ट वगैरह प्लीज बेटा बनाए रखिए ठीक है, सपोर्ट करते रहिए स्टूडेंट्स। चलो अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पांचवा वाला आसान सा वो भी क्वेश्चन है, वो भी कोई टफ नहीं है ठीक। चलो भाई पांचवा क्या कह रहा है, अ स्मॉल टेरेस एट फुटबॉल ग्राउंड है भाई, कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच 50 मीटर लॉन्ग एंड विड्थ ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1.4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1.2 मीटर, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस ठीक है भाई, 15 स्टेप है उसमें ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 50 मीटर दे रखी है, और भाई हर स्टेप में देख लीजिए ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, पहला स्टेप बढ़ेंगे 1/4, दूसरा स्टेप बढ़ेंगे 1/4 + 1/4, तीसरा बढ़ेंगे 1/4 + 1/4 + 1/4, ऐसे करके ये आपका चलता चला जाएगा। फर्स्ट स्टेप में दे रखा है, सेकंड स्टेप में दे रखा है भाई ठीक है, और थर्ड स्टेप में एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, तो आपको मैं समझा देता हूं कि कैसे इसको लिखना है ठीक है। तो भाई यहां पर जो है हमसे हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप बराबर 104 मीटर ठीक,
भाई हाइट हमने पहले क्या दे रखा है, हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब टेरेस वगैरह जो पूरा बन जाता है, ठीक है, तो टेरेस एक क्यूबॉइड शेप का होता है, ये तो आपको पता ही है, तो इसमें मुझे वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंट्री रिक्वायर्ड, चलो ये तो हिंट दे रखे, हिंट से कोई मतलब नहीं है, स्मॉल टेरेस ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है, कंपैरिजन 15 स्टेप, लेंथ आपकी कितनी दे रखी है, 15 मीटर लॉन्ग दे रखी है, तो मैंने हाइट इसकी निकाली फर्स्ट स्टेप, सिमिलरली हाइट ऑफ सेकेंड स्टेप बराबर 1/4 + 1/4 मीटर, जो कि आपकी कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर, ऐसी आपकी हाइट ऑफ थर्ड स्टेप, हाइट ऑफ थर्ड स्टेप बराबर कितनी हो जाएगी 1/2 + 1/4, जो कि कितनी हो जाएगी 3/4 मीटर, ठीक है, ये तो मैंने हाइट निकाल ली है, लेकिन भाई जो लेकिन जो हाइट है जैसा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कितनी बढ़ रही है, 1/4 बढ़ रही है, तो वो आपको नीचे लिख के दिखाना पड़ेगा, सिंस हाइट ऑफ ईच स्टेप इज इंक्रीज्ड बाय हाइट ऑफ ईच स्टेप इज इंक्रीज्ड बाय 1/4 मीटर बाय 1/4 मीटर, देयरफॉर इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 50 मीटर दे रखी है, विड्थ जो है, ठीक है, ट्रेड मतलब होता है विड्थ बराबर 1/2, जो कि आपकी क्या है, रिमेन सेम, ठीक है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को बेटा मैं ऑप्शन में आपको यह बता दूं, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को पढ़ना मुश्किल हो जाता है कि कैसे हम लोग लैंग्वेज वगैरह करें, मतलब लैंग्वेज को कैसे समझें तो जो मैंने आपको जैसे बताया कि हाइट ऑफ स्टेप बाय 1/4 पढ़ता चले रहे, तो ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए पहले दिक्कत यह होती है कि हम लैंग्वेज समझ पाते हैं, तो आप लाइन बाय लाइन पढ़े, जो जो जैसे हमें समझ में आएगा कि हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप इतनी है, दूसरे में इतनी पढ़ रही है, इतनी चौथे में पढ़ रही है, लेंथ कितनी दे रखी है, तो जो जो आपको समझ में आया पहले आप वो नोट कर लें। अब भाई हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टेप कैन बी कंसीडर्ड एज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, टेरेस जो है वो क्यूबॉइड की तरह बिहेव करता है, कैन बी स्टेप्स एज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पता होगा, एल इंटू बी इंटू एच, और भाई क्यूबॉइड एक 3D शेप होती है, मतलब 3D 3 डायमेंशनल शेप होती है, तो भाई 3 डायमेंशन मतलब जो 2D होती है उसमें सिर्फ बेटा लेंथ और ब्रेथ आती है, मतलब एक्स वाई आते हैं, और जो 3D हो जाती है उसमें एक अलग से कोऑर्डिनेट बन जाता है जेड, जिसे हम हाइट कह देते हैं, ठीक है, तो LBH आपका ये आ गया है। अब भाई इसमें लेंथ आप रख दीजिए 50 × 1/2 और × 1/2, ठीक, तो भाई इससे आप ये काट दीजिए ये 25, तो ये आपका कितना जाएगा 25/2, जो कि लगभग आपकी कितनी आ जाएगी 12.50 मीटर क्यूब, तो भाई ये फर्स्ट स्टेप की कितनी आ गई आपकी 12.50, भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब आप यहां पर ये देख लीजिए लेंथ तो 50 है, ठीक है, ब्रेथ मैंने आपको बताया रिमेन द सेम 1/2 है, ठीक है, और हाइट भी आपको इसमें गिवन दे रखी है कितनी है 1/2 इसमें दे रखी है, ठीक है, तो एक मिनट फर्स्ट स्टेप की नाम लोग कर रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेप, सॉरी चलो याद आ गया, बढ़िया रहा, ठीक है, तो भाई फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, तो लेंथ इसमें 50 है, ठीक है, ब्रेथ जो है वो इसमें 1/2 है, और हाइट जो है वो इसमें 1/4 है, क्योंकि हम लोग यहीं से पढ़ते हुए आ रहे थे, हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप कितनी है 1/4 मीटर, अब यहां से बेटे आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 25 आ गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25/4, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 6.25 मीटर क्यूब, तो ये आपका लगभग वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप हो गया, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप। ऐसी भाई हम लोग अगर इसमें सेकंड स्टेप की बात करेंगे, तो सेकंड स्टेप में जो भाई लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी, 1/2 इनकी ब्रेथ हो जाएगी, और जो इसकी हाइट है, ठीक है, 1/2 हाइट इसकी देख लीजिए, ये भी 1/2 है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, तो यह कितनी आ जाएगी 50/4, ये लगभग जो है 12.50 × 4 = 4, ठीक है, तो भाई अब आप ये देख लीजिए, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी हाइट है, लेंथ तो बेटा सेम ही रहेगी रहेगी, और जो ब्रेथ है वो भी सेम रहेगी, लेकिन हाइट जो है वो आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटे 1/2 आ जाएगी, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड ये। अब हम लोग थर्ड स्टेप की बात करेंगे, तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे कि 50 भी लिखेंगे भाई, 1/2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कितनी लिखेंगे 3/4, यहाँ पर आप ये कैंसिल कर दीजिए 25 × 75/4, तो ये लगभग कितना है 6 × 12 आपकी 18 आना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ 18.75 मीटर क्यूब, बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 3 AP मिल गई है, AP आप यहाँ पर लिख लीजिए 6.25 मीटर क्यूब, ठीक है, और आपकी यहाँ पर कितनी आई 12.50, ठीक है, और इसकी क्या कितनी आई 18.75 मीटर क्यूब जो भी आई हो, ठीक है, ए बराबर आपका यहाँ पर 6.25 हो जाएगा, डी बराबर 82 - 7 मतलब 12.50 - 6.25, आंसर आपका 6.25 आ जाएगा,
ठीक है, और एन की वैल्यू हम यहाँ पर से देख लेते हैं कितने इसमें दे रखे हैं भाई, 15 स्टेप दे रखे हैं, तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी बस। अब एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी लगा दीजिए, आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बस आपका ये वाला जो है लगभग हो गया, बस एक फॉर्मूला लगा दे बस, उसके बाद आपका ये ओवर है चैप्टर। हाँ, तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है इसमें Sn, Sn बराबर सब वैल्यूज हमारे पास दे रखी हैं, n अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, Sn बराबर n की वैल्यू हमें कितनी रखी थी यहाँ पर, 15 बटे दो रखी थी, और 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू थी हमारी 6.25 प्लस n माइनस वन, एन हमारी कितनी थी बेटा 15 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी हमारी 6.25। ठीक है, Sn बराबर आपका 15 बटे दो ये हो जाएगा, ये लगभग 6 × 12 = 50 × 14 × 6.25, तो ये आपका Sn बराबर कितना आ गया 15/2, ये आप ऐसे रख दीजिए 14/6 = 87.50 आ जाएगा। तो Sn बराबर आपका 15/2 इंटू ये लगभग कितना रहेगा 87, 12, 9, 99 और 100, तो ये लगभग आपका कितना रहेगा 25, और 25 × 15 कितना हो जाएगा 750 मीटर क्यूब, तो ये आपका कितना आ गया 750 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, पूरी एक्सरसाइज मैंने आपकी अपने हाथों से कंप्लीट करा दी है, और जो मैंने आपको इसमें सिर्फ यही चीज बताई थी कि इसमें ऑप्शन में बस लैंग्वेज को समझना बेटा कर रहा हो जाता है बस, और इसमें कुछ नहीं है। तो जो जो आपको इसमें समझ में आ जाए वो आप इसमें नोट कर लिया करिए, बाकी जो है आप थोड़ा सा लैंग्वेज को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पूरा एपी ए से लगाकर जेड तक मैंने आपको 15 पार्ट में एक्सरसाइज 5.1, 2, 3 और ये आपके ऑप्शन एक्सरसाइज जो कि टफेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है इस चैप्टर की, वो ही मैंने आपको करा दी है। ठीक है भाई, मैं आपसे बेहतरीन रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज, और मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब आपको हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में जो कि ट्राइंगल्स होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बेटा नमस्ते। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहें अच्छे से।